नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई शूटिंग लोकेशन पे आ गए हैं, जिस जगह का नाम है घोड़ बंदर, जो महाराष्ट्र के मुंबई में पड़ता है, घोड़ बंदर चाइना क्रिक। तो यहां पे हमने पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं, तो आज वापस आए हैं इसी जगह पर एक नई फिल्म के साथ और नई शूटिंग लोकेशन के साथ। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो इस फिल्म का नाम है लल्लू की लैला, जिसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ और अम्रपाली दुबे नज़र आए थे, तो और उनके साथ बीआईबी विजेंदर भी नज़र आए थे। तो इस फिल्म की कुछ सीन है जो स्टार्टिंग के शुरुआत के जो सीन होते हैं वो यहीं पर लिया गया है। अभी हम आपको स्क्रीनशॉट के जरिए सीन बाय सीन मैच करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल्म का एक सीन यहाँ से लिया जाता है, आप देख सकते हैं। जब एक गाड़ी यहाँ से आती है, ये रोड से यहाँ से एक गाड़ी आती है, तो उसमें कुछ गुंडे वगैरह बैठे रहते हैं, एक लड़की को किडनैप करते हैं। मतलब फिल्म जब शुरुआत होती है तभी का ये सीन आता है। तो इसमें ये वाला घर दिखाया गया और यहाँ इसके सामने एक पेड़ था मोटा सा, वो शायद मुझे लगता है ये रोड जब बना तो वो पेड़ काट दिया गया। तो आप स्क्रीनशॉट में ये जो विंडो दिख रहा है इसको मैच कर सकते हैं और घर के कलर को उसी प्रकार मैच कर सकते हैं, और पीछे का घर दिख रहा है उसको भी मैच कर लीजिए। सीन जो था यहीं से लिया गया था। फिल्म के एक सीन को यहाँ से लिया गया है, आप देख सकते हैं। जब उनकी गाड़ी यहाँ से आती है और यहाँ पे उनके जो दोस्त रहते हैं, यहाँ पे टेबल लगी रहती है और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी रहती हैं जहाँ पे वो बैठ के चाय पीते हैं। जब यहाँ से गाड़ी गुजरती है और लड़की चिल्लाती है, तभी कहते हैं अरे साला, ये तो लड़की को किडनैप करके लेके भाग रहा है। अरे साला, ये तो लड़की को लेके भाग रहा है, चल चल इसका पीछा करते हैं। तो लोग जब पीछा करते हैं, यहाँ से बाइक पे बैठते हैं और उस गाड़ी के पीछे आते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट में मैच करना, ये पेड़ को दिखाया गया है और ये सौर ऊर्जा जो लगा है ये उस समय नहीं लगा था। बाकी ये वाला पोल को देख सकते हैं और ये रोड है, इस तरह से आती है, और ये दीवार को आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। तब वो लोग जब गाड़ी का पीछा करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ का सीन दिखाया गया है, इस गली का, इस रोड का सीन दिखाया गया है, जिसमें ये पोल और ये दीवार को दिखाया गया और पीछे ब्रिज है उसको भी दिखाया गया है। आप स्क्रीनशॉट में मैच करना। फिलहाल गाड़ी जो गई थी उसके वजह से स्क्रीनशॉट धुंधला रहा है, क्योंकि धूल उड़ा था और पीछे ये लोग लगे थे। तो आप स्क्रीनशॉट में मैच करना, यहीं से सीन लिया गया था जब वो गाड़ी की पीछा करते हैं। फिल्म का एक सीन यहाँ से लिया गया है, आप देख सकते हैं। ये पेड़ को दिखाया गया है और यहाँ से गुंडे की गाड़ी ऐसे आती है। हालांकि ये रोड जो है, ये पोल जो दिख रहा है, ये पोल के उस पार नहीं था, अभी उस पार बढ़ा दिया गया है, पहले ये सब यहाँ था ऐसा। तो यहाँ से उनकी गाड़ी आती है, आप स्क्रीनशॉट में मैच करिए, यहाँ से गाड़ी आती है और ये पोल दिख रहा है, उसके साइड एक पेड़ है, वहाँ पे रोड नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं उधर भी रोड हो गया, तो पहले इधर से चलता था, अभी जब बन गया तो उधर से हो गया। और ये पेड़ को मैच कर लीजिए और ये घर थोड़ा सा दिख रहा है उसको भी मैच कर सकते हैं। तो अगला जो सीन था यहाँ से लिया गया है, जब उनके दोस्त उस गाड़ी की पीछा करते हैं। तो दोस्तों फिल्म का जो है एक सीन यहाँ से लिया गया है, आप देख सकते हैं। जब निरहुआ के दोस्त रहते हैं, जब गाड़ी का पीछा करते हैं, उनके पेट्रोल ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ से उनकी गाड़ी घुसती है और यहाँ से ऐसे यहाँ से निकल जाती है। तो आप स्क्रीनशॉट में देखना, यहाँ पे दो सौर ऊर्जा के पोल दिख रहे हैं, वो अभी नहीं हैं। तो यहाँ पे घुसती है और दूसरा यहाँ से जब निकलती है, तो ये दीवार को आप मैच कर सकते हैं। तो यहीं पे सीन लिया गया था, भी ये भाई साहब अपना गाड़ी धो रहे हैं इसमें। अगला सीन यहाँ से आता है, आप तो देख सकते हैं। जो गुंडे रहते हैं गाड़ी में एक लड़की को लेके भागते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से गाड़ी लेके आते हैं और निरहुआ जो होते हैं यहाँ पर लाठी लेके आगे खड़े होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पेड़ को दिखाया गया है और यहाँ पे गाड़ी उनकी खड़ी हो जाती है और ये अपनी लाठी से उनको फेंक के मारते हैं, जिससे उनका कांच टूट जाता है और फिर यहीं पर फाइट वगैरह सब कुछ होता है। तो फाइट होने के दौरान यहाँ पे पता चलता है वो जो औरत थी, वो लोग किडनैप नहीं किए थे, उनके भाई लोग थे, और वो प्रेग्नेंट रहती है और उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, वो बच्चा होने वाला रहता है। तो ये सब देख के फिर निरहुआ और उनके दोस्त जो होते भाग जाते हैं, वो सोचते हैं कि कुछ लोग हैं जो हैं किडनैप किए हैं, और इसके वजह से वो लोग आते हैं और उन सबको मारते हैं, और मारने के बाद फिर वो सोचते हैं हमने इनको बचाया। जब जाके गाड़ी का गेट खोलते हैं और देखते हैं, तो वो औरत जो रहती है वो पेट से रहती है और उसको बच्चा होने वाला रहता है।
तो ये लोग जब ये स्थिति देखते हैं और वो औरत बोलती है हमारे भाई थे, आपने क्यों मारा, ये लोग हमें हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तब ये लोग भाग लेते हैं वहाँ से। एक सीन को कुछ ही इस प्रकार से दिखाया गया है जिसमें निरहुआ को यहाँ पे खड़े होते दिखाया गया है और पीछे ये आम का पेड़ और यहाँ पे एक खजूर का पेड़ था, वो अभी नहीं है। मुझे लगता है ये जो पोल है ना, इसके जस्ट मतलब इसके जस्ट आगे जो वायर है इसके नीचे पेड़ था, इसके लिए उन लोगों ने इनको काट दिया है, अभी ये लोग काट दिए हैं। और ये देखो चबूतरा जो दिख रहा है, ये चबूतरा भी दिख रहा है और एक पेड़ और खजूर का दिख रहा है जो इस साइड है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये वाला खजूर का पेड़ ये है और ये पेड़ के साइड में एक खजूर का पेड़ था, वो काट दिए लोग ने। तो सीन जो है यहीं से लिया गया, आप स्क्रीनशॉट में मैच कर लेना। फिल्म का एक सीन यहाँ से लिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जगह पे निरहुआ और VIP विजेंद्र दोनों बैठ के यहाँ पे ताश खेलते रहते हैं। और सोच कहते हैं, विजेंद्र बोलता है कि 500 का जुगाड़ और हो जाए तो काम बन जाए। तो निरहुआ बोलते हैं जुगाड़ हो जाएगा, चुप रहो। तभी एक गाड़ी वहाँ सामने से आती है, तो आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। एक गाड़ी ये रोड के उधर से आती है और यहाँ पे आके ये जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ पे ये लोग खड्डा खोद के रखते हैं कि कोई गाड़ी आए इसमें फंस जाए, तो ये लोग धक्का लगाते हैं और पैसा लेते हैं उसका। तो यहाँ पे खड्डा खोदे रहते हैं, तभी उसकी गाड़ी यहाँ पे आके फंस जाती है। तो अंकल उतरते हैं और देखते हैं, बोलते अरे ये तो फंस गई। इसमें स्क्रीनशॉट में देखना, ये पेड़ को और ये पेड़ को दिखाया गया है और ये लोग बैठे हैं जहाँ पे, वो चबूतरा और वो पेड़ को भी दिखाया गया है। तो आप स्क्रीनशॉट में मैच करना। और फिर जब अंकल उतरते हैं और देखते हैं कि गाड़ी तो फंस गई है, तो उससे बोलते हैं आप क्या होगा, ड्राइवर बोलता है अभी तो धक्का लगाना पड़ेगा। तो देखो स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे पीछे का ये घर का गेट दिख रहा है, उसको दिखाया गया है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये जो गेट दिख रहा है इसको दिखाया गया है और इन पेड़ों को दिखाया गया और ये चबूतरा जो दिख रहा है इसको भी दिखाया गया है। तो स्क्रीनशॉट में मैच करना, यहीं से सीन होता है। तभी वो अंकल सोचते हैं कि किसी को बुलाया जाए धक्का लगाने के लिए। फिर वो जो निरहुआ रहते हैं यहाँ इस चबूतरे पे, यहाँ पे बैठे होते हैं और विजेंद्र और निरहुआ दोनों ताश खेलते रहते हैं। तभी अंकल की नज़र पड़ती है और उनको बुलाते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस एंगल से लिया गया था। तो इसी एंगल से शूट किया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ताश खेलते हैं और वहाँ पे गाड़ी फंसी होती है और ये पत्थर को भी दिखाया गया है। ये जो पत्थर दिख रहा है ना, इस पत्थर को भी दिखाया गया है। स्क्रीनशॉट में मैच करना। तो आप इस चबूतरा को और पीछे का ये जो पेड़ और चबूतरा दिख रहा है और ये पेड़ को उसी प्रकार से आप मैच कर सकते हैं जिस प्रकार से स्क्रीनशॉट में दिख रहा है। तो इसी जगह से अंकल वहाँ से आवाज़ लगाते हैं कि बच्चा लोग थोड़ा मदद कर दीजिए, गाड़ी को धक्का लगा दीजिए। तब ये लोग जाते हैं और धक्का लगाते हैं और उससे 500 रुपये की बात करते हैं, तो वो बोलता है 300 रुपये ले लीजिए। 300 रुपये में ये लोग फाइनल करते हैं। तो सीन जो है यहीं से होता है और फिर धक्का लगाते हैं, उसके कुछ साथी हैं उनको बुलाते हैं जो इन पेड़ों के पीछे और इधर पेड़ों के पीछे छुपे रहते हैं। फिर वो निकल के आते हैं और गाड़ी को धक्का मारते हैं और गाड़ी बाहर आ जाती है। तो सीन जो है यहीं से लिया गया है, आपको बराबर दिखा दिया हूँ और समझा दिया हूँ किस प्रकार से सीन को लिया गया है। फिर वो आदमी 300 रुपये देता है, तो निरहुआ बोलते हैं मेहनत के पैसा को हम हाथ नहीं लगाते हैं, इसको दे दीजिए। तो जो उनका साथी रहता है वो फट से लेके जेब में रख लेता है। तो चलिए देखते हैं अगला सीन। जो सीन है वो भी यहीं से लिया गया है, यहीं पे ताश खेलते हैं और दूसरी गाड़ी का इंतज़ार करते हैं। बोलते हैं एक गाड़ी और आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो निरहुआ कहते हैं सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तो तभी एक गाड़ी वहाँ आगे से आती है जिसमें अम्रपाली दुबे बैठी होती हैं। तो चलिए हम वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं और मैच कराते हैं कैसे दिए गए। तो अम्रपाली की जो गाड़ी होती है यहाँ से आती है, ये एरिया से आती है,
मतलब इस रोड से आती है, और ये पेड़ को दिखाया गया, और ये आम का पेड़ नहीं दिखाया गया है, पीछे का पेड़ है वो अभी बारिश का मौसम है इसके लिए सब चीज़ हरे भरे हो गए हैं, इसके लिए वो पेड़ दिखाई नहीं पड़ रहा, फ़िलहाल वही वाला पेड़ है जो वहाँ पीछे है। तो इन पेड़ को दिखाया गया, और यहाँ से आम्रपाली की गाड़ी आती है ऐसे और इस साइड आके और यहाँ से ऐसे आगे मुड़ जाती है। निरहुआ देखता है उसमें एक लड़की बैठी हुई है, तो जो विजेंदर रहते हैं वो बोलते हैं अरे ये तो अपने ही गाँव में जा रही, तो इधर उनकी बाइक खड़ी रहती है यहाँ पर, एचएफ डिलक्स लाल कलर की गाड़ी रहती है यहाँ पर खड़ी रहती है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ दिखा देख लेना। तो फटाफट उसको पकड़ते हैं और अपने गांव की तरफ जाते हैं। दोस्तों इन जगह पे जितने भी सीन लिए गए थे लल्लू की लैला फिल्म के, उन सभी सीन को आपको मैच करके दिखा दिया हूँ, अभी यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए है नहीं। बाकी उनका जो घर है वो एक बंगला है, उस बंगले के अंदर उनका घर बनाया गया था, तो उनका घर जो है यहाँ से दूर है, तो फिर कभी वहाँ पर जाएंगे तो आपको वो सीन भी दिखा देंगे। कुछ सीन है यहाँ पे जो मैच नहीं हो पा रहे हैं, मैच इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बारिश हो गई है, और बारिश होने के कारण यहाँ के जो घास फूस है ना, ये देखिए ये घास फूस ये वगैरह जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो अभी बारिश का सीज़न चल रहा है और ये बड़े हो गए हैं, तो इसके वजह से वो सीन थोड़ा सा मैच करने में दिक्कत हो रही है। नहीं तो आप लोग कमेंट करके बोलेंगे कि भाई यहाँ पर तो रोड है प्लेन, आप घास फूस दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जब बारिश ख़त्म हो जाता तो यहाँ पर बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ पे ये घास फूस एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।